भारतीय टीम करीब 4 महीने के लंबे दौरे के लिए इंग्लैंड रवाना हो चुकी है। भारत को 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलना है। इसके बाद टीम इंडिया 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टीम की रवानगी से पहले हेड कोच रवि शास्त्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कोहली और शास्त्री दोनों ने कहा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मायने रखता है। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर शास्त्री और कोहली का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये कोच और कप्तान के बीच बातचीत प्रेस विज्ञप्ति के बाद की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की थी तभी विराट कोहली और रवि शास्त्री आपस में बात करने लगे। उन्हें लगा कि वो अब लाइव नहीं है या ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, और इस बीच वो मोहम्मद सिराज को लेकर ऐसी चर्चा करने लगे कि उसका ऑडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में केन विलियमसन के नेतृत्व वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी रणनीति पर चर्चा करने में लगे थे। पर्दे के पीछे का गेम प्लान का ऑडियो अब लीक हो गया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और इस ऑडियो नोट में मोहम्मद सिराज का भी नाम लिया गया है या फिर मोहम्मद शमी के बारे में डिस्कस किया गया है। इस वायरल हो रहे ऑडियो में आखिर विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने क्या कहा, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उस वायरल ऑडियो में क्या कहा और क्या नहीं कहा गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच से पहले इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। इससे कीवी खिलाड़ियों को ड्यूक गेंद से अभ्यास करने का मौका मिल रहा है। दूसरी ओर भारतीय टीम को इंग्लैंड पहुंचने के बाद क्वारंटीन होना पड़ेगा। फाइनल से पहले भारतीय टीम को केवल 4 अभ्यास सत्र मिलेंगे। हालांकि कप्तान कोहली इस बात से चिंतित नहीं है। विराट कोहली ने कहा, देखिए अतीत में हम पूर्ण कार्यक्रम तैयार होने के बावजूद सिर्फ 3 दिन पहले ही मेजबान देश में पहुंचे थे। इसके बावजूद शानदार श्रृंखला हुई, हमने कड़ी प्रतिस्पर्धा पेश की, इसलिए ये सब कुछ चीजें दिमाग में होती है। कोहली ने जोर देते हुए ये भी कहा, ये मानसिकता से जुड़ी हुई चीज है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप किसी भी हालात के आदि हैं लेकिन अगर आप सही मानसिकता के साथ मैदान पर नहीं उतरते हैं तो आप पहली ही गेंद पर आउट हो सकते हैं या आपको विकेट हासिल करने में मुश्किल हो सकती है। ये तो विराट कोहली का गेम प्लान था, उन्होंने दोनों टीमों को बराबरी का दर्जा बताया है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, विराट कोहली का कहना है। लेकिन अब आइए जानते हैं उस ऑडियो में आखिर विराट कोहली ने क्या कहा जो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हुए ऑडियो में भारतीय कप्तान विराट कोहली और हेड कोच रवि शास्त्री न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में रवि शास्त्री बोल्ट और वेगनर का जिक्र करते हैं। कोहली कहते हैं कि हम इनको राउंड द विकेट डालेंगे, लेफ्ट हैंडर्स हैं इनमें, लाला सिराज सबको शुरू से ही लगा देंगे। न्यूजीलैंड के टॉप 5 बल्लेबाज में डेवन कॉनवे, टॉम लेथम और हेनरी निकोल्स बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 29 वर्षीय कॉनवे ने एक दिन पहले ही अपने डेब्यू में लॉर्ड्स के मैदान पर शानदार सैकड़ा जड़ा है। खैर वायरल ऑडियो से कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि कोई बड़ा गेम प्लान नहीं था, बेसिक सी बात कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।